राहुल सोनिया का ऑफिस सील, ईडी की बड़ी कार्यवाही। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दूसरे दिन कार्यवाही की। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्यवाही की है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। वही मामले को लेकर कांग्रेस दफ्तर के साथ सोनिया और राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिना इजाजत के दफ्तर नहीं खोलने के निर्देश भी दिए गए। कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली के लिए आना पड़ा। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया और राहुल जेल जाएंगे। नवभारत समाचार से पंकज तिवारी की रिपोर्ट।